बॉलीवुड एक्ट्रेसेस अपनी फिगर को लेकर होती हैं बहुत ही कॉन्शियस। इसी वजह से बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस हैं जो प्रेफर करती हैं दर्दनाक नॉर्मल डिलीवरी, लेकिन वहीं कई एक्ट्रेसेस ऐसी भी हैं जिन्होंने सी सेक्शन जैसा कठिन ऑपरेशन का फैसला लिया। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बॉलीवुड की कौन सी एक्ट्रेसेस थी जिन्होंने नॉर्मल डिलीवरी का सहारा लिया और कौन सी एक्ट्रेसेस थी जिन्होंने सी सेक्शन का सहारा लिया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। सबसे पहले बात करते हैं मलाइका अरोरा की, जिनकी प्रेगनेंसी की न्यूज इस वक्त खूब चर्चा में बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपना फर्स्ट बेबी और हर तरफ मलाइका अरोरा की प्रेगनेंसी की ही चर्चा हो रही है। इस बात को लेकर अर्जुन कपूर और मलाइका अरोरा ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन मलाइका अपनी फिगर को लेकर बहुत ही कॉन्शियस होती हैं। इसी वजह से यही क्यास लगाए जा रहे हैं कि मलाइका भी जन्म देंगी अपने बेबी को नॉर्मल डिलीवरी द्वारा। अब बात करते हैं आलिया भट्ट की। आलिया भट्ट और रणबीर शादी के बाद काफी सुर्खियों में बने रहे। ये कपल कभी अपनी डेटिंग को लेकर लाइमलाइट में बना रहा तो कभी अपनी शादी को लेकर। आलिया भट्ट ने हाल ही में अपनी क्यूट सी बेबी गर्ल को जन्म दिया है जिसका नाम इन्होंने राहा कपूर रखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आलिया भट्ट ने अपनी बेबी गर्ल को नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा जन्म दिया है, क्योंकि आलिया भट्ट भी है फिटनेस फ्री और ये इस वक्त अपने कैरियर के पीक पर भी हैं। इसीलिए उन्होंने दर्दनाक समय बिताया ताकि वो फिर से अपने नॉर्मल जिंदगी बेबी के बाद फौरन जी सकें। काजोल देवगन। काजोल और अजय देवगन दोनों ही अपनी शादी के बाद भी इंडस्ट्री में बने रहे हैं। हालांकि काजोल ने मीडिया में अपीयरेंस कम जरूर कर दी है क्योंकि वो अपने बच्चों को देना चाहती थी अपना पूरा टाइम। काजोल ने जब अपनी बड़ी बेटी नायसा को जन्म दिया तब उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी को चूज किया, लेकिन जब उन्होंने अपने दूसरे बेटे यानी कि युग को जन्म दिया तब कॉम्प्लिकेशंस के कारण उन्हें सी सेक्शन का सहारा लेना पड़ा, जिसके बाद से काजोल अपने बढ़ते वजन और फिगर को मेंटेन नहीं कर पाई। काजोल का कहना है कि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं और सुनने में यही आ रहा है कि वो एक बार फिर माँ बनने वाली हैं। करीना कपूर खान। सैफ से शादी के बाद उन्हें काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा उनकी और सैफ की एज डिफरेंस को लेके, लेकिन अपने बोल्ड अंदाज से उन्होंने हमेशा ही सबका मुंह बंद किया। वहीं अपनी प्रेगनेंसी पीरियड्स में वो हमेशा से ही फुली एक्टिव और शूटिंग्स में बिजी रहीं और इन्होंने अपने फर्स्ट बेबी को जन्म दिया नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा, लेकिन वहीं अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस के कारण उनका सी सेक्शन करना पड़ा। अनुष्का शर्मा। अनुष्का और विराट के घर जन्म लिया वामिका ने साल 2020 में। वहीं अपनी प्रेगनेंसी के चलते अनुष्का भी काफी एक्टिव थीं। उन्होंने योगा और एक्सरसाइज का सहारा भी लिया। अनुष्का को अपने फिगर की परवाह तो ना थी, लेकिन उन्होंने हमेशा से ही नॉर्मल डिलीवरी को इम्पोर्टेंस दी और वो सबको यही प्रूव करना चाहती थी कि उन्हें बचपन से ही जिस बॉडी पर शेमिंग किया जाता था वो उसी की मदद से नॉर्मली अपनी बेटी वामिका को जन्म देंगी। सोनम कपूर। सोनम कपूर और आनंद आहूजा के घर आया एक नन्ना मेहमान 20 अगस्त 2022 को, जिसका नाम रखा उन्होंने वायु कपूर। सोनम अपनी प्रेगनेंसी पीरियड में काफी एक्टिव थी। उन्होंने अपने फिगर को शुरू से ही बहुत ज्यादा मेंटेन किया है और यही वजह थी कि उन्होंने चूज की नॉर्मल डिलीवरी अपने बेबी को जन्म देते हुए। रिपोर्ट्स के अनुसार सोनम ने अपने प्रेगनेंसी में हर वो चीज की जिससे नॉर्मल बेबी बर्थ के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएं। और आखिरकार सोनम ने वायु को जन्म दिया नॉर्मल डिलीवरी के सहारे से। शिल्पा शेट्टी। बात करें इनके पहले बच्चे वियान की तो 2008 में शिल्पा शेट्टी ने जन्म दिया रियान को सी सेक्शन के सहारे से। शिल्पा जैसे कि अपने फिगर को लेकर हैं काफी सीरियस, उन्होंने चाहा तो चूज करना नॉर्मल डिलीवरी था, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस के कारण डॉक्टर्स को आखिरी वक्त में सिजेरियन करना पड़ा। तो दोस्तों ये थी बॉलीवुड की वो एक्ट्रेसेस जिन्होंने नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन का दर्द सहा। इनमें से कौन सी एक्ट्रेस आपकी फेवरेट है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और साथ ही इस वीडियो पर माँ जैसी हस्ती के लिए और अपनी फेवरेट एक्ट्रेस के लिए इस वीडियो पर लाइक तो बनता है।